और बड़ी खबर आ रही है, मनीष झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके बाद मैं आप लोगों का टेक लेना चाहूंगा। मेरे पास जो बड़ी खबर आ रही है और मैं अपने थोड़ी देर में आपको एक और बड़ी खबर दिखाने वाला हूं। इंडो यूएस एक्सरसाइज के बहुत अच्छे शॉट्स हमारे सहयोगी सुमित ने भेजे हमारे पास, लेकिन चीन की सोशल साइट वीबो पर भारत के खिलाफ हेट कैंपेन, बड़ी खबर। गलवान पर चीन के कबूलनामे के बाद भारत के खिलाफ हेट कैंपेन। भारतीय दूतावास को निशाना बनाकर आपत्तिजनक मैसेज भेजे जा रहे हैं, बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, ये बड़ी हैरान करने वाली चीज है, क्या कहेंगे इस पर और क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो जानकारी दे दूं कि चीन स्थित जो हमारा दूतावास है और उसका जो चीनी जो सोशल मीडिया साइट वीबो पर अकाउंट है, वहां हजारों की संख्या में रोजाना पिछले दो दिन से मैसेजेस हमारे भारतीय दूतावास को भेजे जा रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा अपशब्द लिखे हुए, गाली गलौज वाले या नफरती भाव वाले मैसेज हैं। अब ये एक नया ट्रेंड है क्योंकि ये घटना जो अप्रैल 2020 से अब तक हुई, जहां पर कि हम देखते थे कि चीनी लोगों का सेंटिमेंट्स पब्लिकली नहीं दिखाई दे रहा था, पिछले दो दिन में बहुत ही कैलकुलेट वे में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चीन की सरकार ने जो वीडियो फुटेज जारी किया या फिर जो जानकारी जारी की, जिसमें जानबूझकर बहुत ही सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ाया गया, जब वो कहते हैं कि उनके चार सैनिक मारे गए जिसमें से एक सैनिक की शादी होनी थी, एक सैनिक पिता बनने वाले थे, यहाँ तक कि जो कमांडर की फबाओ हैं वो अब हॉस्पिटल से वो ठीक हो गए हैं और अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, इस तरह का वीडियो रिलीज करते हैं। मकसद ये है कि शायद वो चीन में अपने लोगों को वहाँ भड़काना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं और ये 2017 के डोकलाम से भी ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा है निशान। अब इसका रीजन क्या है, इसको समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि शायद इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि शायद चीन की सरकार को अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को अभी फिलहाल इमोशनली सेटिस्फाई करना है कि इस पूरे जंग में पिछले 9 महीने में हमने ये खोया ये पाया। जी आप जो बता रहे हैं ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।